और बात करेंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। दरअसल दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दूसरे दिन भी सीएम भजनलाल शर्मा मुलाकातों में व्यस्त रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, प्रहलाद जोशी से भी मिले सीएम भजनलाल शर्मा। दरअसल लोकसभा स्पीकर बिरला से भी उनकी मुलाकात रही, कल देर रात भी उनकी मुलाकात थी और आज एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की रही और डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। जोधपुर हाउस में सीएम से आईएएस शुभ्रा सिंह भी मुलाकात के लिए पहुंची। सीएम भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली से जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले मुलाकातों का दौर चलता रहा, मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज दूसरे दिन भी ये तस्वीरें। पहली तस्वीर जरा देखिएगा, ये है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात। दूसरी तस्वीर जरा देखिएगा, ये तस्वीर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ। और इन दोनों तस्वीरें में ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी। हालांकि शिष्टाचार मुलाकात मानी जा रही है क्योंकि पहली बार इतने बड़े पद पर काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इन तमाम टॉप लीडर्स से मिलते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पहुंचे पहली बार शपथ ग्रहण के बाद और इसीलिए बेहद खास। इसके अलावा कल जब बैठक हुई तब मंत्रिमंडल गठन पर विचार विमर्श हुआ, लगातार इस पर मंत्रणा चली। हालांकि 1.5 घंटे ये बैठक चली लेकिन पहला चरण पूरा हो चुका है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द एक बार फिर से दिल्ली लौटेंगे क्योंकि अब दिल्ली से जयपुर जाने का कार्यक्रम है। तो सीएम भजनलाल शर्मा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और प्रहलाद जोशी के साथ उनकी मुलाकात इसलिए भी खास क्योंकि प्रहलाद जोशी को विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव प्रभारी बनाया गया था और इसलिए राजस्थान के नब्ज को अच्छे से समझते हैं। सियासी नब्ज की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में हो सकता है कि एक अहम भूमिका लोकसभा चुनावों से पहले भी उनकी नजर आए, इसीलिए प्रहलाद जोशी के साथ मंत्रणा जो हुई इस मुलाकात के बीच वो बेहद खास थी। ये बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही तस्वीरों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी नजर आए। तो ये मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। हालांकि शिष्टाचार मुलाकातें मानी गई, बेहद शॉर्ट टाइम के लिए ये मुलाकात रही लेकिन अब वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, वो जानकारी भी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल ये चंद तस्वीरें जरा देखिए, इसके मायने भी समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात कही जा रही है लेकिन इसके मायने इसलिए क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन होना है, इसके बाद लोकसभा चुनावों में प्रत्याशियों को उतारना है और वो चुनाव भी है और एक अहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के कंधों पर क्योंकि मुख्यमंत्री बन चुके हैं भजनलाल शर्मा। और एक देखा जाए तो एक तरीके का टेस्ट होगा उनका लोकसभा चुनावों में। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा किस तरीके से एक खास भूमिका में नजर आएंगे, एक चुनौती उनके लिए अब खड़ी है क्योंकि ठीक मुख्यमंत्री पद काबिज होने के बाद अब लोकसभा चुनाव। फिलहाल देखना होगा किस तरीके की भूमिका मंत्रिमंडल गठन के दौरान भजनलाल शर्मा की नजर आती है और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, क्या पोर्टफोलियो रहेगा, क्या गृह विभाग और वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेंगे, जो एक परंपरा राजस्थान में बन गई है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं वो मुख्यमंत्री के पास रहते हैं। और ऐसे में पोर्टफोलियो उप मुख्यमंत्री के पास क्या रहेगा क्योंकि उप मुख्यमंत्री के पास जाहिर सी बात है एक बड़े विभाग या एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन किस तरीके से रहेगा और कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में ये भी बेहद खास होगा देखना किसकी कितनी भूमिका रहेगी। जाहिर सी बात है हाईकमान ही फैसला करेगा लेकिन राजस्थान में भी किसकी एक अहम भूमिका रहेगी उसके चयन में ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसी को लेकर लगातार मंत्रणा चल रही है, मुलाकातें हो रही है। हालांकि ये मुलाकातें शिष्टाचार भेंट मानी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार इनसे मिल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिया कुमारी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पहली बार टॉप लीडर से मिल रहे हैं, इसलिए बधाइयों का सिलसिला भी लगातार जारी है।